नाउ वी विल डिस्कस वैल्यू और रिटेल वैल्यू चेन दो परस्पेक्टिव में तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने लगा हूँ आपसे कि वैल्यू क्या है सो वैल्यू फॉर द कस्टमर इज़ के व्हाट एवर ही हैज़ पेड टू अ रिटेलर और वट एवर ही हैज गेट फ्रॉम दैट रिटेलर एक्चुअली दोनों का डिफरेंस इज़ द वैल्यू ही इज़ गेटिंग एट द एंड ऑफ द डे तो नॉर्मली पुराने ज़माने में कस्टमर ये करता था कि नॉर्मली वो कमोडिटी बेस्ड शॉपिंग ट्रिप करता था लेकिन अगर आज के दिन की हम बात करते हैं तो कस्टमर जो है वो वैल्यू बेस्ड शॉपिंग ट्रिप की बात कर रहा होता है वट इज़ लुकिंग फॉर कि मैंने जो एक शॉपिंग एक्सपीरियंस करना है उस शॉपिंग एक्सपीरियंस से मुझे क्या वैल्यू एडिशन मिला एंड पे आके ताकि अगर मैंने हंड्रेड रुपीज़ की शॉपिंग की तो क्या मुझे बेनिफिट उसके बदले में वन ट्वेंटी रुपीज़ का मिला तो दैट ट्वेंटी रुपीज़ एक्चुअली वो वैल्यू है जो कस्टमर इस्पायर कर रहा है कि मुझे इस शॉपिंग एक्सपीरियंस से मिलेगी नॉर्मली वैल्यू के दो परस्पेक्टिव हैं पहला प्रस्पेक्टिव चैनल का है और दूसरा प्रस्पेक्टिव कस्टमर का है अगर हम चैनल प्रस्पेक्टिव की बात करें तो चैनल प्रस्पेक्टिव वैल्यू का ये है कि वो तमाम सेट ऑफ एक्टिविटीज़ और प्रोसेस जो कि एक्चुअली हेल्प करते हैं कस्टमर को किसी वैल्यू को लेने के लिए विच मीन्स दे विल अनेबल कस्टमर टू गेट सम वैल्यू ऑफ दिस प्रोसेस और फ्रॉम दिस एक्टिविटी तो ये चैनल का प्रस्पेक्टिव है वैल्यू के हवाले से अगर हम बात करते हैं कस्टमर का परस्पेक्टिव तो वैल्यू इज दैट परसेप्शन जो कि कस्टमर एक शॉपिंग एक्सपीरियंस से लेना चाह रहा है जो कि कस्टमर एक शॉपिंग एक्सपीरियंस से लेता है तो हमारे पास वैल्यू के परस्पेक्टिव बड़ा क्लियर है कि ये वो एडिशनल बेनिफिट है विच कैन बी टेंजिबल विच कैन बी इन टेंजबल विच कैन बी मॉनिटरी विच कैन बी नॉन मॉनीटरी और इसके अलावा विच कैन बी इन टर्म्स ऑफ सम समिशनल फ़ीचर एडिशनल फैसिलिटीज़ जिस तरीके से अगर आप कोई लट से एयर कंडीशन बाय करने के लिए गए हैं और वो एयर कंडीशन के साथ आपको कोई इंस्टॉलेशन फैसिलिटी मिल गई है और वो एयर कंडीशन बाय करने के साथ आपको कोई डिलीवरी फैसिलिटी मिल गई है टू योर होम और टू योर ऑफिस और टू योर बिजनेस लोकेशन तो इन सारी चीज़ों के अंदर आपने एक्चुअली जो प्राइस पे की है वो एयर कंडीशन की की है और जो फैसिलिटी आपको मिली है वो एडिशनली इंस्टॉलेशन और डिलीवरी की मिली है और इन दोनों में से कोई एक मिली है तो एक्चुअली आपने जो एडिशनल वैल्यू ली है वो ए सी की प्राइस प्लस वो इंस्टॉलेशन फ्री प्लस वो डिलीवरी फैसिलिटीज़ फ्री सो दैट एक्चुअली एडिशनल बेनिफिट शॉपिंग एक्सपीरियंस कस्टमर के लिए इज़ एडिंग वैल्यू टू दैट पर्टिकुलर कस्टमर अब हम डिस्कस करते हैं रिटेल वैल्यू चेन के हवाले से सो रिटेल वैल्यू चेन क्या है एक्चुअली इट रिप्रेजेंट्स वो तमाम सेट ऑफ बेनिफिट्स वो तमाम बंडल ऑफ बेनिफिट्स जो कि एक रिटेलर ऑफर करता है एक कस्टमर को जो कि उसका कस्टमर है अब वो किस तरह के बेनिफिट्स हो सकते हैं वो कौन कौन से सेट ऑफ बेनिफिट्स हैं हमारे पास पूरी लिस्ट ऑफ थाउजेंड्स आइटम्स ऐसी मौजूद हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू की बात करते हैं अगर मैं इन जनरल एग्जांपल्स के हवाले से देखूं तो जब आप अगर आप कस्टमर कोई को अच्छी स्टोर लोकेशन ऑफर कर रहे हैं दैट इज़ आल्सो वन ऑफ दी वैल्यू आल्सो अनदर सेट ऑफ बेनिफिट जो आप कस्टमर को दे रहे हैं अगर आपके स्टोर के अंदर किसी न किसी तरीके से अच्छी सिटिंग फैसिलिटी मौजूद है यू और ऑफरिंग एक्सेलेंट प्राइसिंग यू और ऑफरिंग एक्सेलेंट डिस्काउंट्स आपके पास कोई बहुत अच्छा लेट्स से एम्बियंस है जो कि कोई और ऑफर नहीं कर रहा है फॉर दैट पर्टिकुलर एम्बियंस और दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट इज़ ऑल्सो एडिंग वैल्यू टू दैट पर्टिकुलर कस्टमर कस्टमर के लिए वो भी एक वैल्यू है वो कंपेयर करेगा कि अगर मैं अपने घर के पास किसी जनरल और कराना स्टोर से बाय करूं, या मैं एक एयर कंडीशन इन्वायरमेंट के अंदर किसी एक अच्छे मॉल से एक अच्छे स्टोर से बाय करूं सो अगेन दैट इन्वायरमेंट इज़ आल्सो वन पार्ट ऑफ द वैल्यू विच यू आर गिविंग टू द कस्टमर इसी तरीके से अगर कस्टमर को डील करने के लिए एक पढ़ा लिखा स्टाफ मौजूद है सो दैट स्टाफ जो कि नॉलेजेबल स्टाफ है प्रजेंटेबल स्टाफ है दैट स्टाफ इज ऑल्सो कंसिडर टू बी वन ऑफ द एडिशनल बेनिफिट जो कि आप उस कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं सो पार्किंग वन ऑफ़ द फैक्टर्स स्टॉक की पोजीशन वन ऑफ द फैक्टर अगर आप स्टोर में हर वक्त कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं कि भाई आप आए और हमारे पास आने के बाद यू विल फाइंड स्टॉक्स एवरी टाइम शेल्फ्स खाली नहीं मिलेंगी आपको स्टॉकआउट्स नजर नहीं आएंगे स्टॉक की पोजीशन विल ऑलवेज बी हेल्दी दिस इज वन ऑफ दन ऑफ द टाइप कि जहाँ पर वन ऑफ द बेनीफिट जो कि आप कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द केसेज में ऐसा होता है कि आप ऑब्जर्व करेंगे अगर कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छी प्राइसिंग के ऊपर मौजूद है तो वो आउट हो जाएगी सो so, रिटेलर का, का काम क्या है बिकॉज कस्टमर उसमें वैल्यू पायर कर रहा है तो यू नीड टू इंश्योर कि आप प्रॉपर स्टॉक पोजिशन्स को मैंटेन करें इसी तरीके से प्राइसिंग इमेज की बात है और इसके अलावा जिस इस तरीके से मैंने बताया कि अगर इवन कस्टमर को यू आर मीटिंग इन ग्रीटिंग इन अ वेरी गुड वे इफ़ यू आर गिविंग इम चेकआउट कैशियर हैंडलिंग वेरी बहुत अच्छे तरीके से वेरी प्लेजेंटली इस केस के अंदर हमारे पास ये भी एक बड़ा पर्सपेक्टिव है पार्ट है सेट ऑफ बेनिफिट्स का तो वो तमाम सेट ऑफ़ बेनिफिट्स जो कि एक रिटेलर ऑफर कर रहा है बेशक वो पार्किंग से लेकर एंड चेकआउट तक के दरमियान तमाम थे जिसमें लोग भी शामिल थे जिसमें प्रोसेस भी शामिल था जिसके अंदर प्रोडक्ट भी शामिल थी जिसके अंदर प्राइसिंग भी शामिल थी जिसमें तमाम वैल्यू एडिड सर्विसज थी इंस्टॉलेशन भी है वो एसी के साथ बाय करने के लिए कोई और चीज़ भी विच कैन बी एनीथिंग लेट से आपने कोई कार्टन ऑफ लेट से ऑयल बाय किया और उसके साथ आपको वन के जी हाफ के जी को शुगर फ्री मिल गई है तो दैट फ्री इज ऑल्सो वन एडिशनल बेनिफिट यू आर गेटिंग फ्रॉम दैट रिटेलर तो ये तमाम बेनिफिट्स आर पार्ट ऑफ रिटेल वैल्यू चेन तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वेन एवर यू विजिट अ स्टोर यू सी वट बेनिफिट्स दे आर ऑफरिंग और आप जो एक्चुअली प्राइस पे कर रहे हैं यू आर पेइंग द प्राइस ऑफ लेट्स से बॉटल और एक्चुअली आप एयर कंडीशन इन्वायरमेंट के अंदर बॉटल बाय करना प्रेफर करेंगे या आप बग़ैर एयर कंडीशन इन्वायरमेंट के अंदर बॉटल बाय करना प्रेफर करेंगे द प्राइस ऑफ द बॉटल मे रिमेन सेम और नॉर्मली इट रिमेन्स सेम सो कस्टमर को जहाँ ज़्यादा बेनिफिट नज़र आता है जहाँ ज़्यादा सेट ऑफ बेनिफिट नज़र आएंगे ऑफ कोर्स कस्टमर उस रिटेलर को प्रेफर करेगा कि उस रिटेलर के पास जाए और वहाँ से अपनी शॉपिंग को करे तो रिटेल वैल्यू चेन का बहुत अहम किरदार है एक रिटेलर को की ग्रोथ में उसकी प्रस्पेरिटी के अंदर